दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश के दौर के बीच कुमाऊं के सभी जिलों के लिए आज तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही अलर्ट के बाद कुमाऊं के 6 जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कुमाऊं में बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, कई सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम जारी है और इसके साथ ही नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर हैं। कुमाऊं में आज भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा में भी सभी स्कूल आज बंद रहेंगे और बारिश को लेकर यह अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया है, इसके बाद से ही लगातार प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि सतर्क रहा जाए, बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकला जाए। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी मॉनसून आता है, जब भी बारिश होती है और तेज बारिश होती है तो आपदा का खतरा बढ़ जाता है पहाड़ों पर। अभी कैसा है वहां पर मौसम और किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं? लेकर के जो चंपावत और पिथौरागढ़ जो कि सीमांत जिले हैं, विशेष तौर पर जो पिथौरागढ़ जो है नेपाल और चीन बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक लगातार पिछले 72 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण 100 से ज्यादा सड़कें कुमाऊं में बंद हो चली हैं। और जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसी को देखते हुए जो 6 के 6 DM है उन्होंने यह फैसला लिया है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल हैं उनको बंद रखा जाएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, मैं छाता लेकर के समय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बारिश देखिए, ये तो मैदानी इलाका है कुमाऊं का और बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है और ये 72 घंटे से ये सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। नेशनल हाईवेज, 5 नेशनल हाईवेज बंद हो चुके हैं, जिसमें अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, उसके अलावा पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे टनकपुर से जुड़ता है वो स्वाला और घाट के पास बंद है। इसी तरीके से पिथौरागढ़ बॉर्डर के पास जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी बंद चल रहे हैं और इसी के साथ ही जो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे वो हल्द्वानी से रामनगर को जोड़ने वाला, फिर रामनगर से दूसरी तरफ की कनेक्टिविटी, या फिर अन्य जिलों की, बागेश्वर की बात करें या अल्मोड़ा की बात करें, तो इन सभी जो 5 के 5 पहाड़ी जिले हैं कुमाऊं के, वहां पर स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज की तो आप पूछिए मत। जो ग्रामीण सड़कें हैं PMGSY की, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी हुई, जो छोटे छोटे गांव को कनेक्ट करती हुई चलती हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वहां पर JCBs तैनात की गई हैं लेकिन JCBs भी काम नहीं कर पा रही हैं। पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं वो भी काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इन मशीनों को काम करने में वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की यही अपील है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यही अपील है लोगों से कि आप जो है नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं पूरी तरीके से। चाहे हम हल्द्वानी में कोसी है, रामगंगा है, गौला है, उसके साथ ही जो पिथौरागढ़ के सीमा का इलाका है वहां पर भी काली नदी पूरी तरीके से उफान पर है। शारदा है टनकपुर में, वो पूरी तरीके से उफान पर है। 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो शारदा नदी से छोड़ा गया है, गौला नदी से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से जो कोसी नदी है उससे भी 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर उधम सिंह नगर जो मैदानी जिला है वहां की स्थिति, वहां पर जल भराव देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पर जो सितारगंज का इलाका है, रुद्रपुर का इलाका है, जो उसके निचले इलाके हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से जल भराव देखा गया है। इसीलिए DM को कल फैसला लेना पड़ा कि उधम सिंह नगर में भी छुट्टी की जाएगी, वहां पर भी अच्छी खासी बारिश, तकरीबन 45 mm बारिश पिछले 12 घंटे के भीतर वहां पर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से जो बारिश का सिलसिला है वो सभी जगह जारी है और लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। पहाड़ों में सब्जियां महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद हैं उसके कारण अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ ज्यादातर सब्जियां मैदान की मंडी से, विशेष तौर पर जो हल्द्वानी सबसे बड़ी मंडी है, कृषि मंडी है, वहां से पहुंचती है, तो लोगों को वहां पर भी जो सब्जियों की सप्लाई है वो भी प्रभावित हुई है। वहां पर लोगों को महंगी सब्जियां मिल रही हैं, तो हर तरह से जनजीवन इस बारिश ने प्रभावित कर दिया। अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बारिश रुके, क्योंकि 72 घंटे से ये बारिश जारी है और अभी भी जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो यही है कि आप सावधान रहिए, क्योंकि बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और मौसम विभाग यही कह रहा है।
रहा है कि आप अलर्ट रहिए और प्रशासन भी जो लगातार मुस्तैद है, चाहे वो नदी नालों के किनारे है या फिर जो कॉलोनियां हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, जो मेन सड़कें हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, स्पेशल फोर्सेज बनाई गई हैं नगर निगम नगर पालिका की तरफ से, जो कि क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो वहाँ पर पहुँच रही है। जहाँ पर भी जल भराव है उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है और ऊपरी इलाकों में जो नदी नाले गाढ़ गधेरे हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है, जिससे जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जी शीनम। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपने विस्तार से जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से दोनों हाईवे बंद हुए हैं। धरासू बैंड के पास सड़क बंद हुई। वही सुबह से ही यात्री फंसे हुए नजर आए। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है और दोनों ही हाईवे पर सुबह से यात्री फंसे हुए नजर आए थे। तो गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से दोनों हाईवे बंद हो गए हैं। रामनगर के मोहान में अब हल्द्वानी रोड पर चकलुवा के पास बना कलमठ भी टूट गया है। यहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कालाढूंगी हल्द्वानी रोड पर बना चकलुवा के पास कलमठ का आधा हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद आवाजाही बंद हो गई है। कलमठ टूटने से रामनगर का हल्द्वानी से संपर्क कट गया है। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, जहां पर ये कलमठ टूट गया है, जिसकी वजह से अब रामनगर का हल्द्वानी से संपर्क कट गया है और बारिश ये मुसीबत लेकर आई। सड़क का आधा हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी में सिल्ट बहकर आ रहा है, जिसकी वजह से भीमगोड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर का पानी रोक दिया है। बैराज और चैनल गेट पर सिल्ट जमा होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। एहतियातन तौर पर यूपी सिंचाई विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया। चमोली के थराली वार नंदराज जात मार्ग बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में सफर करने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षिकाओं को आ रही है, जो लगातार स्कूलों और दूसरे कामों के लिए यहाँ से हर दिन गुजरते हैं, हर दिन आवाजाही करते हैं। वहीं महिलाएं घास का बोझ लेकर जंगलों से वापस घरों को लौट रही हैं। उन्हें भी बड़े बड़े नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। विगत 4 सालों से हमारा ब्रोंकोट गदेरा जो है कि हर साल टूटते जा रहा है और यहाँ पर हर बार जो है रोड ब्लॉक होती जा रही है। हम शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे वैलिड ब्रिज पुल होना चाहिए था। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सचिव आपदा प्रबंधन ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों से अपडेट लिया। सचिव ने नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के साथ ग्रामीण सड़कों को लेकर भी निर्देश दिए। जो मार्ग बंद है उन्हें जल्द खुलवाने के लिए आदेश दिए। अलकनंदा समेत नदियों के जलस्तर को लेकर DGMO से जानकारी ली। सचिव ने निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि देने में देनी न हो। 15 जून से लेकर अभी तक बांटी गई राहत राशि और लंबित मामलों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। माइनर कहीं पे कोई मलबा ज्यादा आ गया या कहीं बादल फट गया तो मलबा आ गया, तो उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो हमारी टीमें जो हैं जनपद स्तर पे पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो नोन जगहें हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, उनमें हम लोग अलग अलग जगह पे
मशीन डिप्लॉय करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया हुआ है कि पब्लिक को सुविधा कम हो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश ने हरिद्वार की बालावाली नदी पर बने तटबंध को लेकर चिंता जताई है और तटबंध की मरम्मत कराने पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत वीरेंद्र रावत के साथ बालावाली पहुंचे और टूटे हुए तटबंध का जायजा लिया। हरीश रावत ने कहा कि इस बार बारिश को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए सरकार को राहत बचाव के कार्यों में तेजी लानी चाहिए। पानी की बरसात की भविष्यवाणियां की जा रही हैं तो उससे तो लग रहा है कि खानपुर और लक्सर के लोगों के लिए और बहुत बड़े क्षेत्र में गंगा के किनारे लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से और मैं प्रशासन से और राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बीता है, यहाँ कम से कम ठोकरें तो बना दें। हरिद्वार में देहरादून से अमरोहा जा रही एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना नजीबाबाद नेशनल हाईवे की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। तो हाईवे पर कार में आग लग गई। देहरादून से अमरोहा ये कार जा रही थी जब हादसे का शिकार हुई और आसपास जमा भीड़ को भी आप देख सकते हैं। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खबर ऋषिकेश से है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में अवैध रूप से चल रही डांस और शराब पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। पौड़ी पुलिस ने रिजॉर्ट मैनेजर संचालक समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया। 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 26 लड़कों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पाम व्यू रिजॉर्ट जोगियाना में कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ पहुंचे और रिजॉर्ट में कुछ लोग शराब पीकर ऊंची आवाज़ में डीजे बजाकर हुड़दंगबाजी कर रहे थे और वहां पर लड़कियां भी मौजूद थी। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस के जवानों ने मंगलौर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और सभी से मतदान करने की अपील की है। इस मौके पर कई थाना क्षेत्रों के SHO भी यहां पर मौजूद रहे। और अभी पूरे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा मर्यादापूर्ण एवं अनुशासन में रहते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया। तो स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को अपना सकारात्मक और सक्रिय सहयोग प्रदान करें। हम सभी लोग स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पीपलकोटी में बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। साथ ही कहा कि सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है जिससे चारधाम की यात्रा आसान हुई। कांग्रेस पर भी सीएम ने निशाना साधा। वहाँ जाना जरूरी है। यहाँ की दो बड़ी दिक्कतें हैं। राज्य से कितना लगाव है? उत्तराखंड देवभूमि से लगाव है। वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ जी जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास, उसका शिलान्यास होकर आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अनेक काम आज चल रहे हैं। केदारनाथ जी का नव निर्माण पुनः निर्माण हो रहा है। एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक काम आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके साथ साथ जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत 1658 करोड़ रुपए की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को भी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने मंजूरी दे दी।
उपचुनाव के लिए सीएम धामी का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम धामी की गोपेश्वर में जनसभा के जिसके साथ ही पोखरी में भी सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए वोट मांगेंगे। 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। और अगली खबर चमोली से है, जहां पर प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत अलग ही जोश में नजर आए। जोशीमठ में जोर शोर से कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला के पक्ष में भी वोट मांगे। सांसद अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधा। अजय भट्ट ने कहा कि संसद में विपक्ष का रोल सही नहीं रहा है, विपक्ष बचकाना और नादान है। अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष हिट एंड रन की थ्योरी पर काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष से बहुत बचकाना है, नादान है, और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ज्ञान वास्तव में नहीं है। मैं तो समझता था तो बहुत विद्वान है, पर उन्होंने एक चीज पकड़ी है, हिट एंड रन, मारो और भागो। कुछ भी गलत बात कह जाओ और उसके बाद सुनने के लिए तैयार ही ना रहो। बद्रीनाथ के दौरे के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी श्रीनगर पहुंचे। जोशीमठ भूधंसाव पर मंत्री ने कहा कि भूधंसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि लोग यहां के लोग विकास चाहते हैं जो बीजेपी करेगी। बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है। लगातार मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूं, वहां के लोग विकास चाहते हैं। दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा बागेश्वर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा में बागेश्वर और कपकोट में मतदाता अभिनंदन समारोह में जनता का धन्यवाद और आभार जताया। मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ बूथों के अध्यक्षों को सम्मानित भी किया है। जीतने के बाद हम सब लोग कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दें, उनका आभार भी करें, और जो उन्होंने मेहनत की उस मेहनत का परिणाम भी उन्होंने अपने अपनी बूथों में लाकर के दिया। उसे लेकर के बागेश्वर तक के काम का सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है, और वहीं रामनगर से लेकर चकुटिया गैरसैंण के रेलवे लाइन का भी सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है, और ये काम को भी हम बहुत जल्दी करेंगे। रुद्रप्रयाग में ट्रांसफर को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में नारेबाजी कर विरोध जताया गया। टीचर्स का आरोप है कि सीडीओ की अध्यक्षता में बनी समिति के मनमाने तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए पुलिस को 311 विशेषज्ञों की दरकार है। प्रदेश में 3 नए कानूनों को सही से धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग ने शासन से 311 पदों की मांग की है। इनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और ड्राफ्ट्समैन के साथ विधिक सलाहकार के पद शामिल हैं। पुलिस नए कानून के तहत FIR दर्ज करने लगी है, लेकिन पुलिस के सामने अब चुनौती है तो घटनाओं के खुलासा करने की, क्योंकि नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही पुलिस के पास जल्द 7 फॉरेंसिक वैन पहुँचने वाली है, लेकिन इन गाड़ियों के लिए टेक्नीशियन और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब शासन को प्रस्ताव भेजा है। जो नए कानून जो पास हुए हैं 1 जुलाई से लागू हुए हैं, तो उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है, इसके तहत जो है पुलिस से अपेक्षा की गई कि वो जो है फॉरेंसिक जो कैपेबिलिटीज़ है इसका जो है अधिक से अधिक यूज़ करें। जो क्राइम सीन होता है उस पर जो 7 साल से ऊपर वाले क्राइम है, इसमें जो है फॉरेंसिक टीम से जो है वो अनिवार्य रूप से जो है मौके पे उसका जो
फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और अन्य जो है डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जाना अनिवार्य है, तो इसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस के पास अभी देहरादून और रुद्रपुर में नाम मात्र के फॉरेंसिक लैब और विशेषज्ञ हैं। इनमें अधिकतर काम आउटसोर्स से होता है। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे देख पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग में फाटो जोन अब अक्टूबर में ही खुल सकेगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग में फाटो जोन जंगल सफारी घूमने गए पर्यटकों को भी इस बार बारिश में फंसना पड़ा था। बारिश के कारण जंगल में पानी भरने लगा, जिसके कारण कई गाड़ियां सड़क पर धंस गई, जिनको बारिश कम होने पर वापस बुला लिया गया था। अभी तो प्लान यह है कि इस समय जो हमारा डे विजिट था और नाइट स्टे था वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि अंदर रोड्स की हालत बड़ी ख़राब हो गई है और जो मालदन से हमारे फाटो गेट तक जाने वाले रोड विशेषकर वो बहुत ख़राब हालत में है, तो इसलिए उसको रिपेयर करने का और उसको ठीक करने का प्रयास चल रहा है। वो जैसे ही ठीक होगा उसके बाद में खोलेंगे, लेकिन अभी तक तो ये उम्मीद है कि पहले अक्टूबर से हम जो उनको खोलने की स्थिति में होंगे। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सुंदर रथ पर सजाकर भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को शहर की सैर कराई गई। इस दौरान यात्रा रथ को भक्तों ने हाथों से खींचा। रास्ते भर भगवान की जयकारे और झूमते हुए लोगों का जत्था चलता रहा। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में स्नान के बाद जगन्नाथ का अभिषेक भी किया गया, उनकी विशेष आरती निकाली गई। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है।